हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वोल्टास बेको के डिशवाशर के ऊपर होने वाला। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है, इसका पानी बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। तो इसी को हीटिंग को चेक करेंगे, हीटर को पूरी तरह से चेक करेंगे और इसे हम लोग नया भी लगाएंगे। तो कैसे निकालते हैं, कहाँ कैसे लगाते हैं, इसका पार्ट कहाँ पर होता है, तो सारी बातें हम लोग वीडियो भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मेरा नाम समीर जुनैद, मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आपका वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिशवाशर आया हुआ है। अगर इसके मॉडल नंबर की हम बात करें तो इसका मॉडल नंबर DF14S, इसका अगर मॉडल नंबर को हम लोग डिकोड करते हैं तो D4 डिशवाशर, F4 फ्लोर स्टैंडिंग, 14 मतलब होता है इसकी कैपेसिटी और S का मतलब होता है इसका सिल्वर कलर। तो फ्रेंड्स, इस डिशवाशर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, बर्तन को प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहा है। जो बर्तन रख रहे हैं हम, जैसे जूठे लगे हुए, तो वैसे ही बर्तन हमें जूठे लगे हुए मिल रहे हैं। तो इस मशीन में कोई भी एरर मशीन शो नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, इसको हमने दो तरीके से चेक किया। पहला तो हमने इस मशीन के अंदर हीटर लगा के, जैसे कि हमने थर्मामीटर लगा के चेक कर सकते हैं, इसके अंदर थर्मामीटर डाल के चेक कर सकते हैं कि मशीन में पानी हीट हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि हमने मशीन को चला दिया और 10 मिनट के बाद इसका जब हमने डोर ओपन करके देखा तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इसका हीटर ऑन नहीं हो रहा, या तो इसके हीटर पे सप्लाई नहीं जा रही या तो इसका हीटर शॉर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, हम इन हीटरों को बात करेंगे तो इसको हम लोग पूरी तरह से चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मशीन को लेटाना होगा फ्रश पे, जैसे कि हमने इसका कनेक्शन निकालेंगे और कनेक्शन निकालने के बाद इसे साफ जगह पर हम इसे लेटाएंगे। लेटाने के बाद कैसे डिशवाशर खुलता है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हो तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक से छोटी से बड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डिशवाशर को उल्टा करके लिटा लिया है और लिटाने के बाद यहाँ पे आपको कैबिनेट दिख रहा है जो पीछे से इस तरह कुछ है। तो यहाँ पे ये लॉक लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं, ये लॉक है, ऐसे लॉक हैं। इस लॉक को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद, ओपन कैसे करते वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ही आपको इसके अंदर हीटर मिलेगा या सारे सामान जो भी होंगे इलेक्ट्रिकल सारे पार्ट्स आपको नीचे ही इसके मिलते हैं। तो हम इसे नीचे से पूरा खोलेंगे, फिर उसके बाद आपको चेक कराते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ढक्कन कैसे ओपन होगा। सबसे पहले प्लस का इसको हमें माइनस में करना है। माइनस करने के बाद इसे यहाँ पे लॉक है, इस लॉक को इधर की तरफ पुश करेंगे तो ये बाहर आएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे सर के हमें सारे लॉक को बाहर कर लेना है। सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट जो पार्ट्स होते हैं वो सारे नीचे लगे होते हैं इसी के पीछे डिशवाशर के। तो हमें ऐसे ही निकाल लेना है, जैसे कि ये लॉक निकल गया है। और लॉक निकलने के बाद आप देख सकते हैं, हमें सबसे पहले इसे चेक करना है कोई वायर कटा ना हो या कुछ हो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इसे खोल लिया है और यहाँ पे ये देख सकते हैं ओवरफ्लो स्विच लगी है। इस स्विच को भी निकालना है हमें। निकालने के बाद हम चेक करेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या है, कोई वायर कटा तो नहीं है जिसकी वजह से हीटर ऑन नहीं हो रहा। सबसे पहले हम इस स्विच को निकालेंगे। स्विच को निकालने के लिए यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, इस होल के अंदर, इस होल के अंदर आप देख सकते हैं ये लॉक लगे हुए जो पिचकस की मदद से ये निकल जाएगा। जिस लॉक को हम निकालते हैं, लॉक को हम नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो हमारा ये निकल चुका है एयर फ्लो स्विच। और ये थर्माकोल है जिसे काफ़ी अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। तो इसे हम किनारे रखते हैं और चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फ्रेंड्स कोई वायर नहीं कटा हुआ। ये पे इसका, यहाँ पे इसका ड्रेन पंप है, ये इसका ड्रेन पंप है, ये सॉल्ट का चैम्बर है, ये इनलेट वॉल है, ये सॉल्ट वॉल है जो कि इसे वॉल को चेक करते हैं। यहाँ पे इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसकी मोटर लगी हुई है और ये इसका हीटर है। तो यहाँ पर ये PCV लगी है, तो ये हीटर को हमें चेक करना है। तो हीटर को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर ये स्विच लगी हुई है जो कि अभी हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है ये हीटर है और हीटर के लिए यहाँ पे ये सप्लाई लगा हुआ, ये जैक लगा हुआ। तो इस जैक को हम बाहर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ जब बैक जैक बाहर कर लिया और जैक के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर दो पिन हैं। तो इस पिन को हम लोग क्लाइमीटर की मदद से चेक करेंगे, हीटर हमारा शॉर्ट है या सही है या ख़राब है, जो कुछ भी है वो हम चेक करेंगे। तो हम क्लाइमीटर को लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने ये क्लाइमीटर ले लिया है और इस क्लाइमीटर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे बजर मोड पे एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि हमने इसे बजर मोड पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब बजर मोड के बाद हम इसे हीटर को चेक करेंगे, इस दोनों पॉइंट को। यहाँ पे हम इस पॉइंट को चेक करते हैं,
तो इस रोप की मदद से हम इन दोनों पॉइंट को चेक करेंगे, जो कि कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये दोनों रोप पे लगा दिया है, और लगाने के बाद हमें हीटर पे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है, मतलब हमारा जो हीटर है वो ऑन हो चुका है, सर्किट इसकी ओपन हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा ये हीटर ख़राब है। आप देख सकते हैं नीचे मीटर पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। तो फ्रेंड जैसे कि हमें पता चल चुका है हमारा हीटर ख़राब है, तो हम इस हीटर को चेंज करेंगे। तो अब इसे हम चेंज करेंगे क्योंकि हीटर हमारा ख़राब है, तो हम क्लाइमीटर को सबसे पहले ऑफ करते हैं और इसे साइड करते हैं। तो हीटर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने जैसे कि ये जैक निकाला था, इस जैक को हमने निकाल दिया है पूरी तरह से, यहाँ से ये जैक निकला है और नीचे भी ये दो जैक लगे हुए हैं जो कि हमें यहाँ से निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैक लगे हुए हैं, तो इसे यहाँ से खींचना है। ये मोटर के जैक है, सेंसर के जैक हैं जो कि सेंस करते हैं। इस जैक को हम निकाल लेते हैं, इसमें दो जैक होते हैं, इन दोनों जैक को हमने निकाल लिया है और इस पंप को हम खोलते हैं। इस मोटर खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये लॉक निकालना है, और यहाँ पे एक परमानेंट क्लिप लगी हुई है, जो परमानेंट क्लिप को हमें काटना होगा। यहाँ से इस क्लिप को हम काटेंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद मोटर तीन चीज़ लॉक पे टिकी है, जैसे कि ये रबड़ आपको दिख रहा है, एक रबड़ ये है और एक रबड़ यहाँ पे होगा। इसके पीछे तीन रबड़ हैं जो कि अभी निकालने के बाद आपको मैं प्रॉपर दिखा दूँगा कहाँ पर कितने रबड़ लगे हुए हैं। तो हमने सारे धीरे धीरे कनेक्शन हटा दिए हैं और इसे हम लोग अब निकालते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम प्लास की मदद से इसे निकालेंगे, प्लास से इसको दबाएंगे। अब दबाने के बाद इसे हम लोग ऊपर करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये हमारा निकल चुका है। और यहाँ पे हम परमानेंट क्लिप को भी निकालेंगे, तो ये हमारी परमानेंट क्लिप लगी है जिसे भी हमें तोड़ना है। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ से ये क्लिप को निकाल दिया है, ये क्लिप हमने निकाल दिया है। अब हमें इसका जैक जो है वो निकालना है, मोटर जहाँ पे ये टिकी है, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, तो इसे हम निकालेंगे सबसे पहला लॉक। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये निकल चुका है, दूसरा लॉक भी आपको दिखेगा यहाँ पे ये है, और इसी तरह एक लॉक ये नीचे है। इस तीन लॉक के रबड़ के ऊपर ये हीटर टिका होता है। तो फ्रेंड जैसे कि हमने ये फाइनली ये हीटर को निकाल लिया है, अब इसे दोबारा से हम लोग इसे चेक करेंगे। तो इसे रखते हैं और यहाँ पर ये क्लिप है, क्लैंप है, तो हम लोग चेक करेंगे। हमने बजर मोड पर डाला क्लैंप मीटर को, क्लाइमीटर को बजर मोड पे हमने रख लिया है और इस रोप की मदद से चेक करेंगे। कोई भी आपस में क्वांटिटी नहीं है, तो मतलब हमारा ये हीटर ख़राब है। ये हीटर हमारा ओपन हो गया है, जो कि हमारी सर्किट ठीक है। तो फ्रेंड्स इस हीटर को हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करने से पहले जैसे कि ये हमारे काम का है, तो हम लोग नया हीटर लाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास नया हीटर है, इसकी भी हम लोग कॉइल चेक करेंगे सही है या ख़राब। तो हमने पहले से ही कंप्लेंट मीटर को बजर मोड पे डाला हुआ है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें क्वांटिटी आ रही है और इसकी रेंज भी बता रही है। तो फ्रेंड्स हमारा ये हीटर बिल्कुल न्यू है और ठीक कंडीशन में है, तो इसे हम लोग लगाएंगे इसके अंदर। तो फिट करने के लिए हमें वही प्रोसेसिंग अपनाना होगा, सबसे पहले हमें इसे लॉक पर बैठाना होगा। तो लगाने से पहले सबसे पहले हमें नीचे वाले लॉक को लगाना है, नीचे वाला लॉक लगा लिया हमने। अब साइड का लॉक लगाएंगे जो कॉर्नर का है लास्ट वाला, और फिर लास्ट में ऊपर वाला लॉक। तो फ्रेंड जैसे कि हमने यहाँ पे लॉक लगा लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे लॉक लगने के बाद हमें इनको अच्छे से इसके अंदर फिट करना है।
इसे चारों तरफ से फ्रेंड्स हमें चेक कर लेना है सही से लगा है या नहीं लगा रबर। तो इसे लगाने के बाद हमें अच्छे से चारों तरफ चेक करना है जैसे कि हमने लगा रखा है। इसके बाद जैसे कि ये क्लिप हमने निकाला था यहाँ से, तो इस क्लिप को इसके अंदर वापस डालेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि हमने क्लिप लगा लिया और इस रबड़ को भी इसके अंदर हम लोग अच्छे से बैठाएंगे। तो ये अच्छे से लगने के बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर ये ग्रिप में बैठ चुका है। प्रॉपर ग्रिप में बैठने के बाद इसे सिंपल कुछ नहीं करना, ये प्लास से आपको पकड़ना है और इसे दबा लेना है और इसे बैठाना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर बैठ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ से नीचे वाली क्लिप निकाली थी, तो उस क्लिप के लिए हमें ये क्लिप लगानी होगी इस क्लिप की जगह। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इस क्लिप को लगाने के लिए क्या करेंगे, इस क्लिप को ओपन करेंगे। तो इस क्लिप को हमें खोलना होगा, खोलने के बाद ही ये क्लिप इसके अंदर फिट होगी। इस क्लिप को हम इसमें फिट करेंगे, देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसे क्लिप लगा के अच्छे से टाइट कर दिया। तो वो क्लिप हमने निकाल के फेंक दी, जैसे कि ये क्लिप पड़ी हुई है, तो ये क्लिप हमने निकाल के फेंक दी क्योंकि ये लगती नहीं दोबारा। तो हमने यहाँ पे ये रिंग वाली क्लिप लगाई जो पेस्ट से टाइट होती है, तो हमने ये क्लिप लगा के इसे अच्छे से टाइट कर दिया। अब इसका हम लोग वापस से कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए जैसे ही हमने ये स्विच यहाँ से निकाला था कि ये स्विच यहाँ लगाएंगे और ये वाली स्विच यहाँ से निकाला था तो यहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये लग रहा है इतना जैक यहाँ पे लगेगा और दूसरा जैक यहाँ पे लगेगा। ये हमारा हो गया है अर्थिंग के लिए जो कि वहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये अर्थिंग का है, तो ये अर्थिंग के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लगाने के लिए हमने लगा दिया। ये मेन हीटर का वायर है जो कि यहाँ पे लगेगा ये जैक पे। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने हीटर को चेंज कर दिया है और चेंज करने के बाद अब मशीन को हम लोग करेंगे टेस्ट। तो ये है सेफ्टी स्विच जिसे ओवरफ्लो स्विच बोलते हैं, ये स्विच है जो मशीन में अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी यहाँ से या कहीं से भी वाटर लीक होता है और इस पर ट्रे पर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रे की बनावट इस तरह है, तो कहीं से भी अगर वाटर लीकेज होता है इसके नीचे पानी आता है तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है जिससे कि ये स्विच बंद दब जाती है और मशीन को होल्ड कर देती है, तो ओवर फ्लो का एरर आ जाता है। तो यहाँ पे पानी साफ़ करके ओवर फ्लो का बनाते हैं। अगर आपकी इसकी वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसको हम लोग सेट कर रहे हैं और सेट करने के बाद मशीन को ऑन करके टेस्ट करते हैं। तो इसको सेट करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका ओवरफ्लो स्विच लगा दिया है। ओवरफ्लो स्विच लगाने के बाद इसके हमने नीचे का कैबिनेट बैठाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें नीचे कैबिनेट बैठाने के सबसे पहले ये राइट हैंड का तीनों लॉक बैठा देना और नीचे से हमें बैठाना शुरू करना है जिससे अच्छे से बैठ जाए और ये प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड इसे प्रॉपर तरीके से बैठाने के बाद ही हम मशीन को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसे बैठाना है हमें। तो जैसे कि फ्रेंड हमने इसे बैठा लिया, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है और मशीन को अब हम करेंगे खड़ी। तो मशीन को खड़ी करने के बाद ही हम मशीन को करेंगे टेस्ट। तो सबसे पहले हम मशीन को खड़ी करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मशीन को प्रॉपर तरीके से खड़ी कर लिया और खड़ी करने के बाद इसका हम लोग डोर भी चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारा डोर फंस रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो खोलने और बंद करने में। तो फ्रेंड्स हमने इसे खोल के चेक कर लिया, अब इसे बंद करके भी चेक करेंगे कोई साउंड या कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स हमने बंद करके भी चेक कर लिया, मशीन में कोई भी डोर में कोई भी साउंड नहीं है। तो मशीन को हम लोग प्लग देंगे, मेन सप्लाई देंगे और मशीन को ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स मशीन को हमने ऑन कर लिया, पावर सप्लाई दे दी है, मशीन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके पावर वाले बटन से मशीन को हमने पावर ला लिया, प्रोग्राम वाले बटन से मशीन को P5 पे हम चलाएंगे जो कि मशीन का मिनी प्रोग्राम है जो 35 मिनट की टाइमिंग है। तो हमने प्रोग्राम P5 सेट करके मशीन को स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद, क्योंकि मशीन हमारे जो 10 से 15 मिनट के बाद ही पानी को हीट करेगी। तो हम 10 से 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स हमें 10 मिनट हो चुका है, 10 मिनट होने के बाद हम इसका डोर ओपन करेंगे और इसके पानी को हम टच करके चेक करेंगे इसका पानी हीट हो रहा है या नहीं हीट हुआ। तो फ्रेंड्स ऐसे कि आप देख सकते हैं हमारी मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है और पानी भी हीट कर रही है, मशीन के अंदर स्टीम भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मशीन को हाथ लगाइएगा तो 35 डिग्री ही पानी को गर्म करिएगा। जैसे मिनी प्रोग्राम या छोटा प्रोग्राम यूज़ करिएगा जिस पर टेम्परेचर कम आता है, आप आसानी से छू सके। वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड डे।